हेलो एवरीवन। तो आज 19 सितंबर 2021 एंड आज से रह गया हमारे पास 20 दिन। लास्ट 2 डेज से मैंने अपडेट नहीं किया था क्योंकि एक्चुअली मैंने अपनी वैक्सीनेशन ली थी तो उसमें थोड़ी दिक्कत थी, मतलब सर दर्द था और उसके बाद बस वही जो थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं वही थे। एंड लेकिन मतलब मेडिसिन ले ली थी तो अब ओके है एंड फिर से अब मैं अपने ट्रैक पे हूँ। तो जिस दिन मैंने वैक्सीन ली और ये था हमारा 22वां दिन, 17 सितंबर ये था हमारा वैक्सीनेशन डे। एंड इस दिन मैंने फिनिश किया अपना PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मतलब इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड उसके अगले दिन मैं यहाँ पे नहीं आ पाया था पढ़ने के लिए, तो इस दिन मैंने पढ़ा था एक या जो पॉलिटी के अंदर ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी एंड और भी जो भी कुछ ये थी पॉलिटी टी के अंदर उनको रिवाइज किया था। एंड IRPT 365 का नेक्स्ट डे मैंने इसको फिनिश कर दिया था पूरा दिन लगा के। एंड आज है संडे और आज है 19 सितंबर 2020 एंड ये आज मैंने टेस्ट दिया था, उसके ये स्कोर्स थे 81 out of 200 फोरम IS सिमुलेटर एंड विजन IS CSAT। इसके अंदर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब मैं CSAT करता हूँ, होता भी है, लेकिन क्वेश्चन या फिर मतलब पेपर सॉल्व करने में टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाता हूँ जो अल्टीमेटली मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर लेता हूँ लेकिन आंसर तक नहीं पहुँच पाता। एंड इंग्लिश में तो मतलब 50-50 का रहता है, तो ये मुझे CSAT के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। एंड फॉरम IS का सिमुलेटर टेस्ट इसमें और भी अच्छा स्कोर आ सकता था, क्योंकि बस मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे और क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसमें इंटरप्रिटेशन का अंतर रहता है। जैसे कि एक इसमें एक मिनट दिखाना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा फॉरम IS का सिमुलेटर टेस्ट। तो इसके अंदर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि मतलब फूड इरेडिएशन मतलब इट्स हेल्प इन एलिमिनेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स फ्रॉम द फूड, तो ये तो सही बात है। एंड इट कैन इनिबिट स्प्राउटिंग एंड डिले रिपनिंग, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिक्कत आ गई थी क्योंकि फूड इरेडिएटेड फूड्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट्स हु सीवियरली इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। मतलब यहाँ पे मैंने ये सोचा कि अगर फूड के अंदर हम रेडिएशन पास करते हैं एंड उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन सब चीज़ों को मारते हैं तो मे बी उनके अंदर हार्मफुल रेडिएशन रह सकते हैं और उसके बाद एक पेशेंट खाएगा तो उसको नुकसान कर सकता है। लेकिन ये जो मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग थी ये गलत थी एंड इरेडिएटेड फूड्स रिकमेंडेड है। तो ये मतलब यही समझ में आया कि मुझे मेरी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं हो रही है, ऐसे कई क्वेश्चंस के अंदर हुआ, इस चक्कर में मेरा गलत हो जा रहा है। बाकी नॉलेज गैप और उसके बाद वो सारे गैप्स तो फिल हो चुके हैं, बस CSAT प्रैक्टिस गैप रह गया है। तो ये था आज का ये राइट रॉन्ग का जो भी रेशो था ये फॉरम के टेस्ट के अंदर एंड ये मैंने इस पर दिया था, तो इसको मैंने आज कंप्लीट नहीं, ये तो CSAT गए। जस्ट अ मिनट, शो यू। ये मतलब ये देखने के बाद थोड़ा सा उम्मीद आया, लेकिन जब मैंने उसके बाद ये देखा फिर उसके बाद तो जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई, मतलब इतना बुरा लगा। अभी कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, बस यही है, अभी दुख की घड़ी है लेकिन दुख मनाने का टाइम नहीं है, बस 20 दिन रह गए, हम इसे खींचने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि ये अटैम्प्ट हमारा बच जाए एंड हो जाए कुछ अच्छा चमत्कार। तो बस ये था हमारा 20वां दिन 19 सितंबर एंड जाने से पहले आज का कोट है, When your desires are strong enough, you will appear to possess a superhuman power to achieve. Napoleon Hill. मतलब आपके अगर desires बहुत ज़्यादा strong हैं तो आपको superhuman power possess करनी पड़ेगी अगर आप उन्हें achieve करना चाहते हैं। तो बस यही जो मुझे समझ में आया, शायद मैं मुझे लगता है कि मैं quotes भी नहीं समझ पाता हूँ, मतलब इस पर मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग काफ़ी अलग है, तो मतलब समझ तो आ गया लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, लगे रहिए, प्रिपेयर करते रहिए एंड यस क्विट तो नहीं करेंगे आखिरी दम तक, बस हमारे पास रहेंगे 20 दिन एंड जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि डे बाय डे अपने CSAT को इम्प्रूव करें एंड इसको भी मेंटेन करके रखें। ओके बाय।